हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर वन के अंदर हैं, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स ले रखा है, आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हैं या एसयूएल के स्टूडेंट हैं, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ चैनल पर जो आपका ये सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का, इसका एग्जाम से रिलेवेंट जो भी कंटेंट है, जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के अंदर टॉपिक आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड वो सारी यूनिट आपको यही चैनल पर कवर करवाने वाला हूँ। पांचों यूनिट आपके कवर करी जाएंगी, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें कवर होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन नोट्स से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, ये नोट्स आपके पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करें, आपको 159 रुपीज में पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी फ्री नोट्स होंगे जो कि पहले से वहाँ अपलोड हो रखे हैं, आप चाहें तो वो फ्री नोट एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इस यूनिट को सबसे पहले देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मीनिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, फिर कंडीशंस एंड वारंटी, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन गुड्स इंक्लूडिंग सेल्स बाय अ नॉन ओनर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अनपेड सेलर, मीनिंग एंड राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट दी गुड्स। इतना कंसेप्ट आपको कवर करना है इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ लीगल एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी एग्रीज टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी टू अनदर पार्टी इन एक्सचेंज फॉर अ सर्टेन प्राइस पेड और प्रोमिस टू बी पेड। क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक लीगल एग्रीमेंट होता है जहां पर एक पार्टी जो कि सेलर एग्री करता है जो उसके गुड्स या प्रॉपर्टी होते हैं उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए दूसरी पार्टी के पास, दूसरी पार्टी क्या कहलाती है, बायर, किसके लिए, किसी प्राइस के एक्सचेंज में जो कि बायर सेलर को पे करता है या फिर आगे चलकर पे करेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बेसिकली क्या है, दो पार्टी होती हैं, एक सेलर एक बायर। सेलर प्रॉमिस मतलब एग्री करता है जो उसके गुड्स या प्रॉपर्टी होती हैं उसकी जो ओनरशिप अभी सेलर के पास है वो बायर के पास ट्रांसफर करने के लिए, और रिटर्न में बायर सेलर को कोई अमाउंट पे करता है या फिर प्रॉमिस करता है कि आगे चल के मैं तुम्हें पे करूंगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज गवर्न्ड बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉर मूवेबल गुड्स और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन मैनी ज्यूरिडिक्शंस। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किसको कवर करता है, जो भी मूवेबल गुड्स होते हैं उन्हें, लेकिन जो इमूवेबल गुड्स होते हैं जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गई, तो उसके लिए कौन गवर्न करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वर्क करता है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सेलर टू बायर फॉर अ प्राइस। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, गुड्स की जो ओनरशिप होती है सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होती है एक प्राइस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। तो सबसे पहले गुड्स और प्रॉपर्टी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इसके लिए, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो एक या तो मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स वगैरह होना चाहिए या इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर आता है प्राइस, तो देयर मस्ट बी अ प्राइस पेड और प्रॉमिस टू बी पेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जब आप ओनरशिप मतलब सेलर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर करता है तो उसके लिए कोई ना कोई प्राइस पे किया जाना चाहिए या फिर उसके लिए प्रॉमिस करा जाना चाहिए कि आगे चलकर मैं तुम्हें इसकी पेमेंट करूंगा। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आपकी जो ओनरशिप होनी चाहिए गुड्स की वो या प्रॉपर्टी की, वो सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होनी चाहिए, उनका जो ओनर है वो चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, तो बोथ पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो दोनों पार्टी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मतलब कॉम्पिटेंट का मतलब ना तो वो मेंटली डिसेबल होनी चाहिए, ना ही माइनर होनी चाहिए और ना ही प्रोहिबिटेड बाय लॉ होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली अनलेस द पार्टी एग्रीज अदरवाइज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है मतलब जो ओनरशिप होती है गुड्स की वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर पर। लेकिन अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं तो फिर कुछ टाइम के बाद भी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है वरना इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट है राइट एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या होते हैं। तो सेलर ऑब्लिगेटेड टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी एंड डिलीवर देम एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो गुड्स की ओनरशिप है वो ट्रांसफर होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स बायर तक डिलीवर होने चाहिए। नेक्स्ट है बायर तो ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट द गुड्स और प्रॉपर्टी एंड पे द एग्रीड प्राइस। बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करेगा या प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए जो भी एग्रीड प्राइस हुआ होगा वो पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले सेल क्या होती है, इसमें सेल में आपकी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होती है। तो इन अ सेल ऑनरशिप ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली और एट अ फ्यूचर टाइम डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑनरशिप होती है गुड्स या प्रॉपर्टी में वो इमीडिएटली सेलर टू बायर सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है या फिर किसी फ्यूचर टाइम पर जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ होता है उस टाइम पर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। इमीडिएट राइट टू सी होता है, आफ्टर द सेल द बायर कैन सू द सेलर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इफ द सेलर फेल टू डिलीवर द गुड्स ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर होने के बाद सेलर गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाता है जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था तो जो बायर होता है उसके पास राइट होता है कि वो सेलर को सू कर सके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क। तो द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स टिपिकली पासिस टू बायर अलोंग विद ओनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद जो भी रिस्क होता है लॉस या डैमेज का वो बायर से सेलर से बायर के पास आ जाता है जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है इससे। तो इसमें क्या होता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में, तो इन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी विल टेक प्लेस अ फ्यूचर डेट और अपॉन द ऑक्यूरेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है जो ओनरशिप होती है गुड्स की वो इमीडिएटली ट्रांसफर ना होकर किसी फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होती है या किसी इवेंट के जो किसी कंडीशन के होने के बाद ट्रांसफर होती है, इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। फिर है फ्यूचर राइट टू सी यू। तो अंटिल द गुड्स और प्रॉपर्टी आर एक्चुअली ट्रांसफर्ड द बायर हैज द राइट टू सी यू फॉर डैमेज इफ द सेलर फेल्स टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक गुड्स की या प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती है तब तक बायर के पास राइट होता है कि अगर सेलर उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है कि गुड्स को डिलीवर नहीं करता है ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करता है तो उसके पास राइट होता है कि वो उसे सीव कर सकता है डैमेजेस के लिए। फिर है रिस्क। तो द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज और टू गुड्स यूजली रिमेन विद द सेलर अंटिल ओनरशिप ट्रांसफर्ड। जो लॉस या डैमेज का रिस्क है गुड्स में वो सेलर के पास रहता है एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जब तक ओनरशिप ट्रांसफर ना हो जाए तब तक। ठीक है, ये था आपका डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। फिर है की पॉइंट, मतलब अब ये तो हमने डिफरेंस देख लिया, अब कुछ की पॉइंट आएंगे कि क्या क्या बेसिस पर डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ ओनरशिप, अ सेल इन्वॉल्व इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वेयर एज एग्रीमेंट टू सेल कंटेम्पलेट्स अ फ्यूचर ट्रांसफर। सेल के अंदर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होती है। फिर आता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड राइट ऑफ पार्टीज डिफर बेस्ड ऑन वेदर इट्स सेल और एग्रीमेंट टू सेल। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या लीगल राइट्स हैं और क्या बाकी राइट्स होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है। रिस्क वगैरह और राइट टू सी भी इसी चीज पर डिपेंड करता है। ये हो गया आपका सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंडीशंस एंड वारंटी का। सबसे पहले कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो कंडीशंस आर इसेंशियल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट आर फंडामेंटल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कंडीशन है वो एक इसेंशियल पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल यूजफुल होता है। दे आर सो सेंट्रल दैट इफ वन पार्टी फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन द अदर पार्टी में राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज टर्मिनेटेड एंड सीक रेमेडीज सच एज डैमेजेस। ये इतनी
इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर एक पार्टी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाती है तो दूसरी पार्टी के पास राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट मतलब खत्म समझ ले, और उसके लिए फिर डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है, रेमेडीज क्लेम कर सकती है वो पार्टी जो दूसरी वाली पार्टी है। कंडीशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कंडीशन गो टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग दे आर वाइटल फॉर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस और एग्जिस्टेंस। जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस और उसकी एग्जिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट है ब्रीच, तो इफ अ कंडीशन इज ब्रीच्ड बाय वन पार्टी द इनोसेंट पार्टी मे चूज टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड सू फॉर डैमेजेस, अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड सीक डैमेजेस। अगर एक पार्टी कंडीशंस को तोड़ देती है या पूरा नहीं करती है तो जो इनोसेंट पार्टी है मतलब दूसरी वाली पार्टी है उसके पास दो राइट आ जाते हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके मतलब खत्म कर सकती है और डैमेजेस क्लेम कर सकती है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को चलने दे सकती है लेकिन उसके कंडीशन के ब्रीच होने की वजह से उसे जो भी डैमेजेस हुए हों वो क्लेम कर सकती है। एग्जाम्पल दिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अ कंडीशन कुड बी सेलर्स एबिलिटी टू डिलीवर गुड्स ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज एग्रीड अपॉन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एक कंडीशन क्या हो सकती है कि सेलर को जिस क्वालिटी और क्वांटिटी के गुड्स मांगे गए हैं उसी क्वालिटी और क्वांटिटी के गुड्स डिलीवर करने हैं। If the seller fails to meet this condition, the buyer can reject the good and terminate the contract. अगर seller ये condition को meet out नहीं कर पाता है तो buyer के पास right आ जाता है कि वो या तो goods को reject कर दे या फिर contract को terminate मतलब goods को reject कर सकता है और contract को terminate कर सकता है। Next आता है आपका warranties क्या क्या होती हैं, तो warranties are subsidiary or minor term of a contract that are not central or condition. वारंटीज हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट होती हैं, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं उतनी इंपॉर्टेंट वारंटीज नहीं होती हैं। दे आर जनरली कंसीडर टू बी लेस वाइटल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानी गई हैं। आगे है आपकी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वारंटीज इंक्लूड, जो वारंटीज की कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो सबसे पहले नेचर, तो वारंटीज आर अश्योरेंस ऑफ प्रॉमिस दैट आर एंसिलरी टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटीज क्या होती हैं, एक तरीके की अश्योरेंस या फिर प्रॉमिस होती हैं जो कि जो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का उसे सपोर्ट करती है। ब्रीच, इफ अ वारंटी इज ब्रीच्ड द इनोसेंट पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस बट कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वारंटी को ब्रीच करा जाता है तो जो इनोसेंट पार्टी होती है वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट या खत्म नहीं कर सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया आपको, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अ वारंटी कुड बी प्रोमिस्ड बाय द सेलर दैट द गुड्स आर रीजनेबली फिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर वारंटी क्या हो सकती है कि बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई तो सेलर उसे एक गुड सजेस्ट करता है और ये अश्योरेंस देता है कि जो पर्पस आपने बताया उसके लिए ये गुड्स बिल्कुल सूटेबल है, तो ये एक वारंटी हो जाती है। If the goods turn out to be unfit, the buyer can claim damage but cannot reject the good or terminate the contract solely on that basis. बट अगर गुड्स अनफिट निकलते हैं मतलब उस पर्पस के लिए यूजफुल नहीं होते हैं तो बायर के पास सिर्फ ये राइट आता है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है इस बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एग्जांपल में, तो इमेजिन परचेजिंग अ रेफ्रिजरेटर, ये आप एग्जाम्पल यहाँ रह गया है, कोई बात नहीं, बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी है। अच्छा हाँ, ये रहा एग्जाम्पल दिया है प्रैक्टिकल की, आपने मान लो एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, द सेलर गारंटी दैट रेफ्रिजरेटर विल ऑपरेट विदाउट इशू फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, कि सेलर ये गारंटी दे रहा है कि 5 साल तक बिना किसी परेशानी के आपका ये फ्रिज चलने वाला है। इफ रेफ्रिजरेटर स्टॉप वर्किंग आफ्टर 1 ईयर ड्यू टू फंडामेंटल डिफेक्ट, यू कुड रिजेक्ट द रेफ्रिजरेटर एंड क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। अगर जो रेफ्रिजरेटर है वो 1 साल के बाद ही फंडामेंटल डिफेक्ट आ जाता है उसमें कोई, तो ये एक ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा और इस केस में आप रेफ्रिजरेटर को रिजेक्ट करके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वारंटी क्या होती है, द सेलर इंक्लूड अ वारंटी दैट रेफ्रिजरेटर इंक्लूड अ वाटर डिस्पेंसर, इफ वाटर डिस्पेंसर मेल फंक्शन आफ्टर 1 ईयर यू कुड क्लेम डैमेजेस फॉर द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द डिस्पेंसर बट कैन नॉट रिजेक्ट द रेफ्रिजरेटर एज अ होल। वारंटी में सेलर ने बोला कि रेफ्रिजरेटर के साथ साथ इसमें एक वाटर डिस्पेंसर है वो भी 5 सालों तक चलेगा, लेकिन अगर 5 सालों तक ना चल के वो 1-2 साल ही में खराब हो जाता है तो इस केस में आप सिर्फ उसको सही करवाने के लिए जो डैमेजेस हुए हो लॉस हुआ हो वो क्लेम कर सकते हैं लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
ये था आपका कंडीशन एंड वारंटी का। अब इवेंट व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कुछ केसेस होते हैं जहां पर हमें जो कंडीशन होती है उसे वारंटी ट्रीट करना होता है, उसे हमें कंडीशन ट्रीट नहीं करना होता है। पहला है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, तो द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिटली एग्रीड दैट अ पर्टिकुलर कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज वारंटी। जब दोनों पार्टी ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया हो कि हाँ ये कंडीशन है लेकिन इसे हम वारंटी की तरह ट्रीट करेंगे, तो कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करा जाएगा। दिस कैन बी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट टर्म और वर्बली एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज। ये या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया गया होगा या फिर पार्टीज के बीच में वर्बली डिसाइड हुआ होगा। नेक्स्ट है वेवर और इलेक्शन, तो द इनोसेंट पार्टी, द पार्टी नॉट इन ब्रीच, चूज टू वेव द कंडीशन एंड अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट इट्स ब्रीच। क्या बोला है, जो इनोसेंट पार्टी है वो अगर चाहे तो कंडीशन को वेव करके ये कह सकती है कि इसे कंडीशन ना ट्रीट करके वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। By doing so, the condition is no longer fundamental and any breach will be treated as breach of warranty. और इसके बाद अगर कोई भी breach होता है condition में तो उसे ऐसा breach of warranty treat करा जाएगा, ठीक है। Next है आपका subsequent conduct, तो the conduct of party subsequent to enter into the contract can indicate that they do not intend for a particular condition to be essential to the contract. If they continue with the contract despite knowledge of breach or of condition, it may be treated as breach of warranty. क्या बोला है, कोई पार्टी के कंडक्ट से जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई उसके बाद उसने कुछ ऐसा करा जिससे कंडीशन ब्रीच हो गई, अब उस पार्टी को पता लग गया है कि यहाँ कंडीशन ब्रीच हुई है लेकिन वो फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रहा है अगर बायर, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन ना देखकर एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करा जाएगा। नेक्स्ट है कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड, तो इन सम इंडस्ट्रीज और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज कस्टमरी फॉर अ सर्टेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी ड्यू टू इंडस्ट्री प्रैक्टिस और ट्रेड यूजेस। कई सारे केसेस में क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर इंडस्ट्री की प्रैक्टिस या ट्रेड की यूजेस यही होती है कि इसमें जो भी होगी कंडीशन उसे एज अ वारंटी ही ट्रीट करा जाएगा, तो उस केस में कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट करा जाता है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी प्रोविजन, तो सम ज्यूरिडिक्शन हैव स्टैट्यूटरी प्रोविजन दैट स्पेसिफाई व्हेन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। कई सारी ज्यूरिडिक्शन है जिनकी स्टैट्यूटरी प्रोविजन होती हैं कि कब कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट करा जाएगा। दीज प्रोविजन में प्रोवाइड गाइडलाइंस और क्राइटेरिया फॉर मेकिंग सच डिटर्मिनेशन, तो ये जो प्रोविजन होती है वो गाइडलाइंस और क्राइटेरिया प्रोवाइड करवाती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि किस कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट करना है और किसको नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स, तो ओनरशिप को मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी भी इसका मतलब होता है। तो ट्रांसफर इन ओनरशिप इन गुड्स रेफर्स टू द लीगल राइट एंड इंटरेस्ट दैट अ पर्सन हैज इन स्पेसिफिक गुड्स और प्रॉपर्टी। ओनरशिप इन गुड्स का मतलब क्या होता है, ये एक लीगल राइट होता है और ये दिखाता है कि एक पर्सन का गुड्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो उस चीज को ओनरशिप से एक तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट टिपिकली गवर्न द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स, तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो किस चीज को, इसी चीज को गवर्न करता है कि गुड्स में ओनरशिप किस तरीके से रहेगी और किस तरीके से वो सारी चीजें चेंज होती हैं। ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले इंटेंशन, तो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू ट्रांसफर द ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। जो सेलर है और बायर है उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाए। The intention is usually expressed in terms of contract of sale. तो जो ये intention होती है उसे ज़्यादातर जो contract of sale होता है उसमें expressly highlight मतलब एक तरीके से include करा जाता है। Next है agreement, तो both the parties must agree on specific goods being sold and the price. दोनों party किसी एक specific goods के sale होने पर agree करेगी और उसका price decide करेगी। फिर है डिलीवरी, तो इन मैनी ज्यूरिडिक्शन डिलीवरी ऑफ गुड्स इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड एज अ पार्टी एग्रीज अदरवाइज। कई सारी ज्यूरिडिक्शंस के अंदर जब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक ये माना नहीं जाता है कि उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए उन गुड्स को भी ट्रांसफर करना पड़ता है। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ऊपर हमने देखा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये है पासिंग, तो स्पेसिफिक गुड ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइड गुड पासिस व्हेन द पार्टी इंटेंडेड टू पास। कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं उनकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब पार्टीज इंटेंड हो मतलब उनकी इंटेंशन हो वो ओनरशिप को ट्रांसफर करना चाहती हो। दिस कैन ऑकर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन,
और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और एट अनदर एग्रीड अपॉन टाइम। ये कब हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम, डिलीवरी करते टाइम, या फिर जैसा भी पार्टी आपस में डिसाइड करेंगी। फिर है अनएसर्टेन गुड्स, तो फॉर गुड्स दैट आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनरशिप टिपिकली पासेस व्हेन द गुड्स आर एसर्टेन्ड एंड अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे गुड जो अनएसर्टेन, मतलब ऐसे गुड जिनके बारे में पता नहीं होता है, उनकी ओनरशिप कैसे पास होती है? जब गुड्स एक्चुअल में डिलीवर करे जाते हैं तब उनकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। इसके अंदर आपके फ्यूचर गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेल्स बाय नॉन ओनर। एक नॉन ओनर मतलब जो गुड्स का ओनर नहीं है वो कब सेल कर सकता है और ये क्या कंसेप्ट है? अ सेल बाय नॉन ओनर समवन हु डज नॉट हैव लीगल ओनरशिप और टाइटल इन द गुड्स। नॉन ओनर किसे कहते हैं? एक ऐसा पर्सन जिसके पास गुड्स का ओनरशिप का लीगल टाइटल नहीं है। इज जनरली वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रू ओनर। जो सेल बाय नॉन ओनर होती है वो हमेशा क्या होती है? वॉइडेबल होती है। अगर जो एक्चुअल ओनर है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। दिस मीन्स दैट द ट्रू ओनर कैन चूज टू आइदर अफर्म द सेल और रिजेक्टेड। तो जो रियल ओनर होता है वो चाहे तो सेल को अफर्म, मतलब उसके लिए एग्री कर सकता है, और चाहे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। द सेल बाय नॉन ओनर इज टिपिकली कंसिडर्ड वॉइडेबल रेदर देन वॉइड। जो सेल बाय नॉन ओनर होता है उसे हम वॉइडेबल ट्रीट करते हैं, उसे हम वॉइड ट्रीट नहीं करते। दिस मीन्स दैट व्हाइल द ट्रू ओनर हैज द राइट टू वॉइड, द बायर मे स्टिल हैव लीगल राइट अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर रेमेडीज। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? भले ही जो रियल ओनर है उसके पास राइट होता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, लेकिन जो बायर है। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने यहाँ तक का कंसेप्ट कवर कर लिया है। इससे आगे का जो भी कंसेप्ट है वो हम इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।